यार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का नाम है क्लैरियंट केमिकल्स। ये कंपनी जो है अलग अलग प्रकार की केमिकल्स बनाती है और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में प्रोवाइड करती है। वाटर रेसिस्टेंस बाइंडर भी बनाती है। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स ये बनाती है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कंपनी जो है अलग अलग तरह के केमिकल्स बना के पूरी इंडिया और वर्ल्ड में सप्लाई करती है। और ये कंपनी आप कह सकते हैं कुछ हद तक मल्टीनेशनल कंपनी भी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब ही चलते हैं इसके कुछ फंडामेंटल डेटा को देखते हैं, इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा को देखते हैं। अब ये आप देखेंगे इस कंपनी के जो प्राइस है किस प्रकार मूव कर रही है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रही है। 2020 में जो फॉल हुआ था उसमें भी स्टॉक गिरी थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर रही है। बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करते हैं। आप देखिए इसका डिलीवरी जो 40-50% डिलीवरी है इसके बाद, और ये कंपनी का जब आप अपडेट देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कर रही है। सबसे एक आश्चर्यजनक बात क्या हुई है, पिछले साल जुलाई 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से पीड़ित थी, तो इस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया था ₹140 का। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी मेंटेन करती है, और कैश कितना अच्छा मेंटेन करती है जो लोगों को डिविडेंड देती है खतरनाक तरीके से। अभी आप देखते हैं, हम इसके सारे टेक्निकल को देखिए, आप क्या गजब तरीके से सारे टेक्निकल्स हैं इसके, आप टेक्निकल एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा आप बोलेंगे कि इसके परफॉर्मेंस जो उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले 5 साल में, 29% नेगेटिव दे रहा है, लेकिन 2 साल में इसने 101% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हम इसके फंडामेंटल्स को भी देखते हैं। ये कंपनी केमिकल सेक्टर से है, इंडस्ट्रीज़ भी केमिकल है, साइड तो हम देख ही चुके हैं। अभी हम इसके देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है। ₹568 का प्राइस है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस है जो लोग इसको खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मार्केट कैप देखिए 1313 है, और EPS इसका 99 का है, और PE जो है 5.7। इतना कम PE का स्टॉक बहुत कम मिलता है आजकल मार्केट में, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो उसको ले लेना चाहिए। इंडस्ट्री PE 43 का है, और देखिए इसका PE 5 है, कितना कम है। बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जाए कुछ दिनों में। अभी देखिए बुक वैल्यू पर शेयर जो है, बुक वैल्यू जो है 182 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.12 है। तो डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 36.0 दी। ओ माय गॉड, डिविडेंड यील्ड 36%, व्हाट ए कंपनी। सो आप समझ ही सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से डिविडेंड देती है अपने अपने इन्वेस्टर्स को। टोटल शेयर्स जो है मार्केट में भी इसके फ्लोट कर रहे हैं 2.31 करोड़, और फेस वैल्यू 10 का है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए किस प्रकार कंपनी ने अपने रिजल्ट को अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। जो जून में फॉल हुआ था उसके बाद क्या गजब तरीके से 180 करोड़, उसके बाद 202 करोड़, उसके बाद 218 करोड़, और जून में 212 करोड़। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट कंपनी, सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को बहुत ही एक्सपोनेंशियली जो है रिड्यूस किया है, घटाया है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए पैट भी अच्छा मेंटेन कर रही है। बीच में 191 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर 13 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ का प्रॉफिट बना पाई है कंपनी। अब इसके एनुअल रिजल्ट को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एनुअल रिजल्ट किस प्रकार का फ्लैट है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अपने पैट को वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है कंपनी। ठीक है, अब इसके रेशियोज पर भी इस प्रकार ये कंपनी ने अच्छा रेशियो भी मेंटेन किया हुआ है। पिछले 2021 में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 41.52 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 59.92, और रिटर्न ऑन एसेट 27.6। बहुत ही अच्छी बात है, और अचानक से सडन एक ग्रोथ हुआ है कंपनी में इस कोरोना वायरस के दौरान। अभी आप देखेंगे इस कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है, क्या गजब तरीके से कंपनी ने 5% से सीधे 12% पे लेके आ गई है। पैट मार्जिन, एबिट मार्जिन भी उसी प्रकार इम्प्रूव हुआ है कुछ सालों के बाद। अभी देखिए कंपनी ने अपने ओवरऑल किस प्रकार वर्किंग कैपिटल को भी जो है अच्छा मेंटेन कर रही थी, उसके बाद अचानक एक सडन इम्प्रूव हुआ है। बुक वैल्यू देखिए, इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो कंपनी का कंसिस्टेंट नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए। अगर आप ध्यान दें अगर फंडामेंटल पे, तो आप देखेंगे कि जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो किस प्रकार के थोड़ा फ्लैट होके फिर नीचे डाउन हुआ, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अभी देखिए इसके फंडामेंटल बैलेंस शीट को अगर आप देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर का जो फंड है, जो प्रमोटर का जो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार शेयर होल्डिंग फंड जो है कंपनी अपना शेयर कैपिटल जो है रिड्यूस कर रही है, ये देखिए कितनी अच्छी बात है, कंपनी अपने कैपिटल को रिड्यूस करती है। रिजर्व भी थोड़ा सा इसके साथ बैलेंस नहीं चला क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई,
तो थोड़ा सा ये बहुत बड़ा थोड़ा सा कंसर्न कह सकते हैं आप, उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी की कंपनी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपने रिजर्व को उनको हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए। जिस तरह आपने MRF का देखा था, भारत रसायन का देखा था, उसी प्रकार देखिए हर कंपनी का जो शेयर है उसका जो रिजर्व है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का भी 13 आ चुका है, घट गया है। करेंट लाइबिलिटी 228 करोड़ है, तो कुल मिला के दोनों ही बहुत कम और धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर एक और कंसर्न क्या है कि कंपनी का जो नॉन करेंट एसेट्स है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। समझने वाली बात यह है किस प्रकार रिड्यूस नहीं होना चाहिए। करेंट एसेट भी देखा जाए तो फ्लैट है, उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है। सेल्स देखिए किस प्रकार फ्लैट होकर फिर डाउन हुआ है, टोटलिंग उसके बाद भी कंपनी जो 220 करोड़ का प्रॉफिट बना पा रही है। कैश देखिए किस प्रकार कंपनी ने अपने कैश फ्लो को अच्छा मेंटेन किया हुआ। प्रमोटर होल्डिंग देखिए एकदम इंटैक्ट, इसमें 51% की प्रमोटर होल्डिंग है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के, तो आप देखेंगे कि इसमें पूरे के पूरे फॉरेन प्रमोटर ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका आपने शेयर को अभी देखा है। FII देखिए अपना किस प्रकार इसमें इंटरेस्ट जगा रही है। अभी पूरे अचानक से इसमें FII का ग्रोथ हुआ है। DII भी अपनी स्टोर बढ़ा ली है। नॉन इंस्टीट्यूशन भी अपना जो पोजीशन है उसमें इंटैक्ट रखी हुई है। तो देखा जाए तो कुल मिला के इस कंपनी पर अच्छे अच्छे कंपनियों का भरोसा है। पब्लिक होल्डिंग में बजाज एलियंस देखिए, बजाज नॉर्मली नहीं इन्वेस्ट करती है, और करती है तो अच्छी कंपनी में करती है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी बजाज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ देखिए प्रमोटर होल्डिंग किस प्रकार से अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज को पर्टिकुलर कंपनी के मालिक है, तो आप बता सकते हैं कि ये अच्छी कंपनी है। अभी हम देखते हैं इसके आगे और जो बाकी रिजल्ट हैं। आप देखिए स्टॉक स्कैन रिपोर्ट देखिए, इसके फंडामेंटल को आप समझेंगे जब, तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी बहुत अच्छा है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव्ड इंक्रीज क्वार्टरली से, नो लीवरेज, कंपनी के पास कोई भी वैसा कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है, और डिविडेंड देखिए किस प्रकार पे करती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके भविष्य के निर्णय के लिए बहुत मददगार होगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।